नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पूजा की रेसिपी में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए झटपट बनने वाले प्याज के पकोड़े। सर्दी का मौसम हो या बरसात, पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है। तो ये पकोड़े मैंने एक नए तरीके से बनाए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को इस शेप में हम कट कर लेंगे। अब इसे अगले बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और ऊपर से मैं डालूंगी लगभग आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से टॉस करेंगे ताकि चाट मसाला हमारे जो प्याज है उस पर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे 10 मिनट के लिए कम से कम ढक के रख देंगे। अब एक दूसरे बाउल में एक कप बेसन लेंगे, उसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच मिर्च, मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने कुटे धनिया का यूज़ किया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और एक चौथाई चम्मच देसी अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश कर डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब धीरे धीरे पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो आप एक साथ पानी डालेंगे तो आपके बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी बेसन खोले पानी को धीरे धीरे ऐड करें, जिससे हमारा बेसन भी जल्दी घुलेगा और उसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे। अब बेसन अच्छे से घुल गया है, पर थोड़ा थीके से पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा बेसन कुछ इस तरह का होना चाहिए। अभी बैटर बन गया है। अब इस बैटर को लगभग 2 मिनट तक लगातार फेंटेंगे। फेंटने से क्या होगा, जो हमारा बैटर है तो लगातार फेंटने से हमारे पकौड़े फूले फूले बनेंगे। अब कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, प्याज को बेसन में डिप करके तेल में ऐड करते जाएंगे। ये काम सावधानीपूर्वक करेंगे। अब एक एक करके हम प्याज को बेसन में डिप करके तेल में ऐड करते जाएंगे और अपना एक बैच तल कर तैयार कर लेंगे। पकौड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े नीचे से सिक गए हैं और कितने बढ़िया फूल गए हैं। तो अगर आप भी फूले फूले पकौड़े चाहते हैं तो आप बेसन को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटिए, जिससे आपके पकौड़े जो हैं फूले फूले बनेंगे। ये देखिए अब अलटते पलटते ने गोल्डन क्रिस्पी होने तक तलेंगे। हमारे पकौड़े तलकर तैयार हो गए, नैपकिन पर निकाल लेंगे। ऐसे करके हम अपना दूसरा बैच तैयार कर लेंगे और सारे पकौड़ों को नैपकिन पर निकाल लेंगे। तो हमारे बढ़िया से गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं एक और नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।